नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनोजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उदयपुर जिले के भिंडर पंचायत समिति क्षेत्र में कोरोना महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा 10 मई से 24 मई तक लगाए गए व्यापक रूप से सख्ती लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन द्वारा अस्थायी नाका पर सख्ती शुरू कर दी है। खेरौदा थाना के अंतर्गत उदयपुर भिंडर मुख्य मार्ग बांसणा बस स्टैंड पर अस्थायी रूप से नाकाबंदी लगाई गई है। एएसआई लक्ष्मण लाल कांस्टेबल दूधाराम जाट पूरमूल ने बताया कि 15 सोशल डिस्टेंस व मास्क के चालान बनाए गए हैं। ग्रामीणों से समझाइश की गई और लोगों से अपील की गई कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। बांसड़ा अस्थाई पुलिस नाका पर जवान 24 घंटे के लिए तैनात या पुलिस के जवान दिन रात अस्थाई नाका पर तैनात रहकर लोगों की सुरक्षा एवं महामारी बीमारी की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे हैं। साथ ही पंचायत समिति सदस्य भरत व्यास ने भी अस्थाई नाका लगने से ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे कोरोना महामारी के बचने का सुझाव के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। आज हम पहुंचे हैं उदयपुर जिले के खेरौदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांसणा गांव में, जहां पर एक चेक पोस्ट लगा हुआ है जिसपे कोरोना महामारी को लेकर आवागमन को बाधित किया गया है। हम जानते हैं कि इस कोरोना महामारी में चेक पोस्ट पर कितने चालान काटे गए हैं और क्या व्यवस्था रही है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, आपने अच्छा, कि कोरोना महामारी को लेकर जो चेक पोस्ट लगा हुआ है तो आज दिन तक कितने चालान कटे और किस प्रकार से आप मुझे देखने को मिला है? जो आने जाने वाले लोग हैं उनके जो पूछताछ कर रहे हैं, पूछताछ के बाद में जो भी हॉस्पिटल जा रहे हैं या आने जाने बीमारी वाले हैं उनको गाइडलाइन के मुताबिक रियायत दी जाती है। बाकी जो 6 लोग हैं इधर उधर घूमते रहता है उन लोगों का चालान भी बना रहे हैं और उनको गाइडलाइन की पालना करने के लिए हिदायत भी दे रहे हैं। इस तरह से चल रहा है, आज भी चालान बनाया, 15 चालान बनाया। चालान काटने में और क्षेत्रवासियों से आपको कोई असुविधाओं का सामना तो नहीं करना पड़ा? असुविधा तो क्या, जो भी मिलता है तो व्यवहार से गर्मी के जो हैं पूछताछ करते हैं, कोई बीमार का है बीमार वालों के उनको बता दें और कोई ऐसा आ भी कहता है तो उसके समझाइश के बाद ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वीएमआर भारत टीवी।